मुंबई से सटे विरार क्षेत्र के ब्रजेश्वरी रोड पर बसे उस गांव में एडवोकेट दिनेश तिवारी ने 2 एकड़ जमीन पर मां विद्यावासिनी माता जी का भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू किया एवं इस मंदिर में देवी की मूर्ति की स्थापना की। इस अवसर पर कई जाने माने लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। हालांकि इस कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट दिनेश तिवारी ने बताया कि इस पूरे 2 एकड़ क्षेत्र में श्री विद्यावासिनी देवी मंदिर के साथ साथ धर्मशाला, यज्ञ स्थल, गार्डन एवं शादी विवाह का स्थल भी बनाने का काम जोरों से शुरू किया गया है ताकि दूर दराज से आने वाले भक्त देवी का दर्शन कर सके। पेश हमारे मुंबई के संवाददाता की खास रिपोर्ट। माता जी के मंदिर की स्थापना 2014 चैत्र के नवरात्र में किया मैंने और उद्देश्य ऐसा है कि माँ जगत में इतनी विश्व विख्याति है, इतनी शक्तिमान है उनकी जो है कि हमने ये सोचा कि माता जी को लोग जो यहाँ के लोग, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की देवी नहीं है, ये महाराष्ट्रियन, गुजराती, बंगाली काफी लोगों की देवी है जो कि यहाँ से उत्तर प्रदेश पहुंच के माता जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक उद्देश्य ये हुआ कि भाई यहाँ पे माता जी की प्रतिष्ठा की जाए, उनके मंदिर के का निर्माण कराया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग माता जी के दर्शन बिना तकलीफ के माता जी के दर्शन कर सके। महाराष्ट्र रश्मि धाम ट्रस्ट के नाम से स्थापना कराया हूँ मंदिर का और माता जी के धाम में करीब एक काफी लोगों के, कम से कम 100-200 लोगों के रहने की व्यवस्था है, धर्मशाला है, शादी विवाह प्रोग्राम फंक्शंस कुछ भी यहाँ पे किया जा सकता है, यज्ञशाला है यहाँ पे जहाँ पे सांस्कृतिक मांगलिक कार्य कर सकते हैं आप, किसी भी प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे रहन सहन के लिए, खाने पीने की व्यवस्था है। मैं बचपन से जब से माता जी से जुड़ा, जब से मैंने होश संभाला, माँ विंध्यवासिनी की स्तुति की, मैं उनसे जुड़ा और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ मुझे। उस आशीर्वाद के तहत माता जी ने मुझे ध्यान ज्ञान दिया कि महाराष्ट्र में एक मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश सब नहीं जा सकते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के लोग जो माता जी को जानते हैं, पूजते हैं, समझते हैं, ताकि उनकी भक्ति शक्ति यहाँ पे महाराष्ट्र में रह के उनको प्राप्त हो सके, इसलिए उनके माध्यम से, उनकी प्रेरणा से ये मंदिर का निर्माण करवाया मैंने। अब ऐसे कि सब माता जी का आशीर्वाद है, उनका ध्यान ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, माता जी मेरे साथ रहती हैं, आशीर्वाद दिया है उन्होंने मुझे और उसी आशीर्वाद के तहत ही उन्होंने मुंबई में निर्माण का एक वकालत, ठीक है वकालत एक पेशा है, ये पेशे से, पेशे के बाद में मुझे माता जी मिली हैं, उनकी अनुभूति जो है मुझे बाद में प्राप्त हुई है, अदरवाइज अगर वो मुझे पहले मिलती तो शायद हो सकता है वकालत की लाइन में ना हो के मैं उनकी भक्ति शक्ति में रहता। ये करीब 2 एकड़ में है माता जी के मंदिर का जो प्रांगण है, पूरी व्यवस्था यहाँ पे करीब 2 एकड़ में है। कॉस्ट से संबंधित तो मैंने कभी कैलकुलेशन अभी तक नहीं किया कि क्या खर्च हुआ है, कि कितने लागत कितनी लगी हुई है, ये तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ का देखने के बाद में निर्माण जो है कि कितना खर्च हुआ होगा। बताना चाहूंगा कि यहाँ पे माता जी के दर्शन के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे गुजरात से गुजराती समाज, भट्ट समाज और महाराष्ट्रियन लोगों में अरनालकर हैं, रेगे हैं, रेले समाज के लोग हैं, चिपलूनकर समाज के लोग हैं, बंगाली काफी लोग आते हैं जो है। तो यहाँ पे ऐसा है कि मैं ये संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ज्यादा माता जी के दर्शन करें। माता जी जो कि साक्षात यहाँ विराजमान है, सिर्फ यहाँ मुहूर्त नहीं है माता जी की, माता जी यहाँ और विंध्यवासिनी धाम में आपको कोई जरा भी फर्क नहीं एहसास होगा, साक्षात उनकी मूर्ति है, साक्षात माता जी का यहाँ पे पावर है। आप सभी लोगों के, आपके माध्यम से यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग माता जी के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ की जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितनी व्यवस्था की गई है उसका भी सब लोग आनंद लेवे। यहाँ पे हर व्यवस्था, हवन, पूजा पाठ, कड़ाही चढ़ाना, यज्ञ, मुंडन, सारी व्यवस्था, सारी फैसिलिटी हमने की है। 5 साल से हम लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम फैसिलिटी दे सकें। ज्यादा लोगों का धाम मतलब जो है कि एंड, धाम का मतलब होता है पूर्ण विराम, तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि लोग धाम में माता जी के आए और ज्यादा से ज्यादा उनके प्रसाद, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें।